हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कवर न्यू टॉपिक दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हार्मोनल सिस्टम की, यानी से बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम और ऑल्सो नोन एज केमिकल सिस्टम और ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम और ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जनरली आपको पता है ये हार्मोन रिलीज होंगे। इसके अंदर हमने दो तरह के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको ह्यूमन में देखने को मिलते हैं और उन दो तरह कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपको एक देखने को मिलता है दैट्स अ न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है और एक होता है यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल यानी हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट यह देखिएगा कि हार्मोन होते क्या है। अब देखिए हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन जनरली आपको केमिकल मैसेंजर्स मिलते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन जनरली केमिकल मैसेंजर्स होंगे, वो क्या करते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं, टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, टारगेट सेल के ऊपर, और टारगेट सेल पे जब एक्ट करते हैं तो उसके अंदर उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट टारगेट सेल फंक्शन। तो टारगेट सेल फंक्शन है उसके फंक्शन को चेंज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, राइट। ये आपको देखने को मिलता है हार्मोन सिस्टम के अंदर या केमिकल सिस्टम के अंदर। अब देखिए हार्मोन के अंदर अगर ह्यूमन के अंदर देखा जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम कौन कौन सा होता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में अगर एंडोक्राइन सिस्टम देखा जाए तो ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम आप देखोगे, एंडोक्राइन सिस्टम देखिएगा या हार्मोन सिस्टम देखिएगा। देखो ह्यूमन में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें आपको सबसे कॉमन देखने को मिलती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखने को मिलती है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम को यानी हार्मोनल सिस्टम को ही जोड़ती है, हार्मोनल सिस्टम को जोड़ेगी विद द न्यूरल सिस्टम के साथ जोड़ेगी, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूरल सिस्टम को ये हार्मोनल सिस्टम के साथ या हार्मोनल सिस्टम को न्यूरल सिस्टम के साथ जोड़ती है। तो ये कॉमन लिंक होता है, हाइपोथैलेमस डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बाकी जितनी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, उन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको देखने को मिलता है काफी सारे ग्लैंड कंट्रोल करती है, जैसे लाइक इन द केस ऑफ पिनल ग्लैंड, लाइक इन द केस ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसके अलावा आप देखो पैराथायराइड ग्लैंड इसके अलावा देखो थाइमस ग्लैंड, इसके अलावा देखो यहां पे पैनक्रियास ग्लैंड, इसके अलावा देखो यहां पे गोनाड ग्लैंड, या इसके अलावा एक और ग्लैंड बढ़ती है एड्रेनल ग्लैंड। फिर यहां बसती गोनाड ग्लैंड, अब गोनाड ग्लैंड होती है, गोनाड ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता टेस्टिस एक होती ओवरी, एक होता टेस्टिस दूसरी होती ओवरी, राइट। अब फर्स्टली हम इनके बारे में टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट हाइपोथैलेमस स्टार्ट करते हैं। देखो तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जब आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखने को मिलेगी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपको
इस इज जस्ट ए स्लाइटली लार्जर देन अ पीनट, ये पीनट के जस्ट थोड़ा साइज बड़ा होता है स्लाइटली, और हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड कहाँ होगी, सिचुएटेड बिलो बिलो कॉर्पस कोलोसम, जो कॉर्पस कोलोसम होता है जो सेरेब्रम को जोड़ता है, कॉर्पस कोलोसम इसके बिल्कुल जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या देखने मिलेगा, हाइपोथैलेमस बेसिकली रिलीज करती है न्यूरल हार्मोन, क्या रिलीज करती है, इट रिलीज न्यूरल हार्मोन, इसका काम होता है न्यूरल हार्मोन को रिलीज करना। ये न्यूरल हार्मोन रिलीज करेगी। अब न्यूरल हार्मोन कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, जनरली न्यूरल हार्मोन दो टाइप के होते हैं, यहां पे इसमें दो टाइप के न्यूरल हार्मोन देखने को मिलेंगे। पहला न्यूरल हार्मोन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, दो तरह के न्यूरल हार्मोन देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलता है इसमें आईएच और दूसरा आपको देखने को मिलता है इस आरएच। देखो आईएच का मतलब क्या होता है, आईएच का मतलब होता है इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटर हार्मोन बोलते हैं इसको, और आरएच को बोलते हैं यहां पे, आरएच इज नोन एज, आरएच को हम यहां बोलेंगे रिलीज हार्मोन, रिलीज हार्मोन। देखो जस्ट इमेजिन करिए, ये दो तरह का वर्क करता है। अगर किसी चीज को मान लेते रिलीज हार्मोन, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी की अगर हम बात करें बिलो 20 ईयर की बात कर ले, हम 20 ईयर की बात, इससे नीचे वाले जो एज होती है उस एज में आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे तो हमारी बॉडी की सेल्स क्या करती है, मैसेज रिलीज करती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस क्या करती है यहाँ पे रिलीज करती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे रिलीज किया ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, राइट। अब ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर वर्क करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराएगा ग्रोथ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये इसका काम होता है किसी हार्मोन को कंटिन्यूअली रिलीज करवाना, ऐसा काम होता है। और इनहिबिटर अगर किसी को स्टॉप करना है, मान लीजिए आप 22 के बाद करेंगे तो ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की, तो ग्रोथ रुकी तो उस टाइम क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक रिलीज करेगी लाइक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन क्या करता है, बॉडी की जो ग्रोथ होती है यानी ग्रोथ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की सीक्रेशन को रोक देगा। तो ये काम होता है इनहिबिटर हार्मोन का। तो बेसिकली इसका काम यही होता है। और आपको एक चीज और इसमें देखने को मिलेगी, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का कॉमन होता है हाइपोथैलेमस ड्यूरी होती है न्यूरोहाइफाइसिस से, न्यूरोहाइफाइसिस से जुड़ी होगी। न्यूरोहाइफाइसिस इज अ कॉमन लिंक बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये क्या होता है, एक कॉमन लिंक होता है, कॉमन लिंक बिटवीन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। इसके बीच में क्या होता है, कॉमन लिंक होता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, अब इसमें एक चीज देखोगे, अब एक चीज देखोगे इसमें कि यहां पे जो न्यूरोहाइफाइसिस होता है, अगर से ग्लैंड के हार्मोन देखे जाए, अगर देखे जैसे ए सी टी एच जीएनआरएच का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन। अभी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये बॉडी से एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाता है, ये वर्क करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के वर्क करेगा,
और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रिलीज करके दो हार्मोन रिलीज करवाएगा, एक होता है FS, दूसरा होता है LH, जो दोनों गोनाड ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। तो ये होते हैं कुछ हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, राइट? सो दैट इज अबाउट द हाइपोथैलेमस।